ये किचन देख के आप समझ ही गए होंगे कि मैं कहाँ पे आ रखी हूँ। तो मैं आज आई हूँ मायके, और अभी हम 7:15 बजे घर पे पहुंचे हैं। और मैं बना रही हूँ उस टाइम पे यहाँ पे रोटियाँ। ये देखिए दोस्तों, सब्जी बना दी है और इसमें बना रही हूँ रोटी। और फिर देते हैं खाना पीना सभी लोगों को। क्या है उधर? ये नहीं, क्या रखते हैं ना वो नानी वहां पे? बोलो क्या रखती है? आप चोरी कर रहे हो वहां पे? ये रहो तो ना, ना। खाना पीना हम लोगों का हो चुका है और हम लोग सोने भी आ चुके हैं। तो मम्मी पापा नीचे वाले रूम पे हैं, मैं दादी के साथ सोती हूँ। जब भी आती हूँ, मतलब दादी वाले ऊपर वाले घर पे जो पुराना घर है, तो अद्दू और अद्दू के पापा इस वाले बेड में सो रहे हैं और मैं और मेरी दादी इस वाले बेड में सो रहे हैं यहाँ पे। और आज मैं दादी के साथ सो रही हूँ पूरे 15 साल बाद। वैसे मैं पहले अपनी दादी के साथ ही सोती थी, और तो पूरे 15 साल बाद दोस्तों मुझे ये आनंद फिर से मिल रहा है। मैं आज दादी के साथ यहाँ पे सोऊंगी और मिलती हूँ आप लोगों को मैं कल सुबह। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं गौरी काला और अपने चैनल पे आप लोगों का स्वागत करती हूँ। और मैं ब्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ 8:15 बजे से, और मैं आ रखी हूँ कल रात से मायके। तो कल के ब्लॉग को ही मैं कंटिन्यू कर रही हूँ दोस्तों। और नाश्ते में बना रही हूँ मैं आलू के पराठे। और इससे पहले मैं आप लोगों को पहाड़ों का खूबसूरत सा नज़ारा दिखा देती हूँ। अद्विका मुझे ढूंढते ढूंढते ऊपर की तरफ आ गई है, और इस टाइम पे छत पे आना बच्चों का अच्छा नहीं माना जाता है। तो इस वजह से अद्विका को ऊपर नहीं आने दिया किसी ने। दोस्तों अब मैं फटाफट से नाश्ता बनाती हूँ और मिलती हूँ आप लोगों को नाश्ता बनाने के बाद। तो नाश्ता वगैरह हो चुका था, अब मैंने आज मम्मी औरों का किचन साफ किया है। ये देखिए दोस्तों, पहले पूरा सामान निकाला, बर्तन वगैरह धुले उसके, ये इसमें बिछाए गए हैं जो उनको साफ किया, और फिर से वैसे ही लगा लिया जैसा था थोड़ा बहुत। और अभी बाकी सामान बाहर है, उनको लाती हूँ और अंदर रखती हूँ बाकी। साथ साथ यहाँ पे दाल उबालने के लिए रख दिया है। पापा वहाँ पे सब्जी कट कर रहे हैं, पापा सब्जी बनाने की तैयारी पे लगे हुए हैं, और दादी और अद्विका ऊपर हैं। ये देखिए अद्विका दादी के बाल बना रही है। ये देखिए दोस्तों, ये देखो, बनाओ बनाओ बनाओ, आटा आटा कर दो आके, हाई कर दन। तो मेरी चाची जी हैं ऊपर पे रहती हैं, वो मेरे लिए ये नींबू लाए हैं खाने के लिए। तो इसको खाने का अभी तो टाइम है नहीं, लेकिन मैं इसको अपने साथ लेके जाऊंगी और वहीं पे बनाऊंगी अपने रूम पे। बाकी मम्मी और चाची जी जा रखी हैं चलू लेने के लिए नीचे नदी की ओर, और वहाँ से आएंगे। तब तक पापा खाना बनाएंगे और मैं किचन साफ़ कर रही हूँ। बाकी मैं भी यहाँ पे झाड़ू लगाऊंगी रूम पे, तो रूम की सफाई करूँगी और पापा जी बनाएंगे खाना। तो दोस्तों किचन साफ हो गया है, पापा जी बना रहे दाल सब्जी, मैंने चावल चढ़ा दिए हैं। बाकी अब मैं बना रही हूँ चटनी, और चटनी बना रही मैं उस वाले कमरे में जिसमें मेरा जन्म हुआ है। तो यहाँ पे मेरा जन्म हो रखा है दोस्तों, यहाँ पे दिखाओ दोस्तों, यहाँ पे मेरा जन्म हो रखा है, मम्मी बताती हैं। और इस टाइम पे मैं चटनी बना रही हूँ, और साथ में आ रखे हैं यहाँ पे मेरे दो भाई, एक दिल्ली से आ रखा है और सतीश भैया को आप लोगों ने ब्लॉग में काफी बार देखा हुआ है, तो उन्हीं के लिए मैं ये चटनी भी बना रही हूँ दोस्तों। तो मैं तो दोस्तों नहा धोकर मैं रेडी हो चुकी हूँ, और खाना भी हम लोगों ने खा लिया है, बर्तन वगैरह मैंने धो लिए हैं। बाकी अब टाइम हो गया है 3:15, तो खाना काफ़ी टाइम पहले खा लिया था। तो ब्लॉग इसलिए लेट बना रही हूँ क्योंकि हमने अपने भाई की शादी की वीडियो भी देखी है, तो इस वजह से थोड़ा सा लेट लग गया था। और अब फटाफट से रेडी सेडी होते हैं और तब चलेंगे हम अपने घर। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे इसकी शैतानी, जब भी आना कुछ ना कुछ करेगी ये शैतानी।
क्या किया ये? पूरा पाउडर गिरा दिया दोस्तों, ये देखो वहाँ पे भी और अंदर भी गिराया था, वो मैंने अभी साफ किया है। बाकी सभी लोग यहाँ पे टीवी देख रहे हैं, ये देखिए, और पापा लेट चुके हैं। हम लोग निकल रहे हैं अब घर के लिए और गौरजा माता के मंदिर पे आ चुके हैं, और यहाँ पे है अद्विका, देखिए दोस्तों अभी गौरजा माता रानी के दर्शन। काफी दिनों बाद माता रानी के दर्शन हो रहे हैं भगवान जी के। गौरजा माता की जय। सो हम लोग घर पर भी पहुंच चुके हैं और मैंने कपड़े भी चेंज कर दिए हैं, और आज है अद्वित का बर्थडे, तो अभी थोड़ी देर में हम अद्वित को वीडियो कॉल भी करेंगे, तो आप लोगों को भी दिखाऊंगी मैं वीडियो कॉल पे अद्विका और अद्वित की बात होती हुई। बोलो बोलो हैप्पी बर्थडे बोलो भैया को। बोल दिया उसने। बोलो अद्वित। तो दोस्तों थोड़ी देर अद्विका ने अद्वित से बात करने की कोशिश की, लेकिन अद्विका रोने लग गई थी क्योंकि वो कह रही कि ये मत बोलो कि अद्वित का बर्थडे, ऐसा बोलो कि अद्विका का बर्थडे है, तो अब इसको अकल नहीं है तो इसलिए ऐसी बातें करती है। तो अब हम चाय वगैरह पी रहे हैं और मैं काट रही हूँ साथ में करेले की सब्जी, तो और यहाँ पे बैठ रखे हैं मिस्टर जी, देखिए दोस्तों। तो दोस्तों आज की वीडियो को मैं इतना ही रखती हूँ, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आए। अगर वीडियो पसंद आए ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों से शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। मिलती हूँ ऐसी नई वीडियोस के साथ, नए दिन नए शुभ की शुरुआत से। जय देवभूमि उत्तराखंड, टाटा बाय, शुभ रात्रि, मिलती हूँ कल सुबह।